દ્વારકામાં રેલ મુસાફરી દરમિયાન રણમલભાઈ નામના વ્યક્તિની બેગ ગુમ થયેલ હતી, જેની ફરિયાદ બેગ માલિકે પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી હતી. ત્યારે આરપીએફ જવાનો બે બેગની શોધખોળ કરી મૂળ માલિકને બેગમાંની મૂળ રકમ 80,000 સાથે પરત કરવામાં આવી હતી. जिसमें हमारा बैग यहाँ द्वारका रेलवे स्टेशन पर छूट गया था, जिसमें 80,000 रुपये कैश और कपड़े वगैरह ये सब सामान था, जिसकी सूचना हमने आरपीएफ द्वारका स्टेशन पे दी, जिसमें सभी आरपीएफ के लोगों ने हमारी बैग ढूंढवाने में काफ़ी मदद की और बैग बरामद करके मेरी सुपुर्दगी में दे दिया. इसलिए हम जिसमें 80,000 रुपये नकद थे और घरेलू अपने जरूरी कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें थी, इसलिए हम द्वारका आरपीएफ के बहुत बहुत आभारी हैं. एक यात्री का बैग जिसमें 80,000 रुपये नकद, उसके कुछ घरेलू सामान थे, उसको सही हालत में सुपुर्द किया. उस यात्री का बैग द्वारका रेलवे स्टेशन पर छूट गया था और वह यात्री घबराते हुए हालत में द्वारका आरपीएफ थाने पर आया, हमसे संपर्क किया, बोला कि साहब मेरा 80,000 रुपये का बैग द्वारका स्टेशन पर कहीं छूट गया है. तुरंत ही टीम बनाकर उस यात्री के बैग को ढूंढने की कोशिश की गई. उसका बैग लिफ्ट में छूटा हुआ मिला, फिर उस बैग को ढूंढकर देखा गया तो उसमें 80,000 रुपये नकद थे और उसके कुछ घरेलू सामान थे, जिसको सही हालत में उसको सुपुर्द किया गया. इसके पहले भी पिछले 4 या 5 दिनों में हमने इस तरह के 3 घटना को अंजाम दिया है. एक बार एक यहाँ के मंदिर के पुजारी थे, उनके बैग में करीब 1 लाख रुपये का सामान था, जिसको वो भी छूट गया था, उसको सही हालत में हमने उनको सुपुर्द किया था. और इसी तरह से कल एक महिला का मोबाइल गाड़ी में छूट गया था, उसको हमने सुपुर्द किया. और मैं तो यहाँ रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों से अनुरोध करूँगा कि उनकी यात्रा के दौरान अगर किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत होती है तो आरपीएफ के हेल्पलाइन नंबर 182-182 पर फ़ोन करें, उनकी आरपीएफ द्वारा तुरंत ही मदद की जाएगी. आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर 182 अपने दिमाग में फीड करें और उस पर फ़ोन करें. धन्यवाद.